ये देखो सो मेरे भाई, ये चेक करो। सो गाइस, जितना सुंदर है अपना झारखंड, उतना ही स्वादिष्ट है हमारे झारखंड का खान पान। और हमारा जो हमेशा से कोशिश रहता है कि आपके तक हम अपने झारखंड का जायका पहुंचाएं और साथ ही साथ उसको बनाने का तरीका भी हम आपको दिखाएं। तो फिलहाल जो है हम एक वैसे ही जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आ चुके हैं जहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना के खिलाया जाता है चिकन का एक बहुत ही पुराना रेसिपी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले जो है हम आपको इस जगह के बारे में बता देते हैं कि हम अभी आए हुए कहाँ पे। तो अभी हम है नाथनगर में, जो कि पालकोट में पड़ता है और जिला अपना गुमला पड़ता है। और इस जगह पे पहुँचने के लिए हम आपके सुविधा के लिए गूगल मैप का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी से पूछताछ किए इस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो जहाँ पे आज हम आए हुए हैं, सबसे पहले उस जगह को आपको हम दिखाएंगे। तो सामने आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा घर है, उसी घर में जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के खिलाया जाता है अपने को क्या, चिकन पत पोड़ा। चिकन पत पोड़ा हमने पहले भी बहुत खाया है, बट इनका जो है ना, मतलब इस चीज़ में वो माहिर है, इनका हाथ काफ़ी साफ है चिकन पत पोड़ा बनाने में। तो आज हमारे को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल ऑथेंटिक जो होता है ना, वो वाला चिकन पत पोड़ा खाने को मिलने वाला है। तो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाते हैं, क्या इनका रेसिपी होता है। तो गाइस, यही है वो जगह जहाँ पे आज हम आए हुए हैं झारखंडी ट्रेडिशनल फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये चेक करो, यहाँ पे जो है चिकन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और ये है भैया जो यहाँ पे सारा कुछ बना के हमारे को देते हैं। चिकन वगैरह भी यहीं पे खुद ही काटते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे चिकन की कटिंग यहाँ पे चल रही है। तो इसमें चिकन का पीस छोटा छोटा ही रहता है भैया? नहीं, अच्छा मतलब बड़ा नहीं रहता इसमें। तो गाइस, इधर पे जो है अपना चिकन को काट के काफी अच्छे तरीके से धो के ला दिया गया। और यहाँ पे जो है अपना चिकन पकौड़ा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले जो है इसमें डाला जा रहा है आपका आधी और लहसुन का पैकेट। तो इसमें लगभग आधा किलो चिकन में कितना, दो पैकेट गया ना भाई? दो पीस डाल दिए। और उसके बाद इसमें जाने वाला है गाइस अपना गोटा लहसुन। तो लहसुन ऐसे ही गोटा डालते हैं, कुछ उच के नहीं? ओके। और गाइस, इसमें जो है अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे जो है हरा मिर्च का यूज किया जा रहा है। और हरा मिर्च आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ जो है मिर्ची को दो फाड़ा करके डाल दिया जा रहा है। तो इसमें मिर्चे के यूज पे और कुछ भी यूज करते हैं, मतलब पाउडर भी डालते हैं या सूखा ऐसा कुछ? नहीं डालते हैं, सिर्फ हरा मिर्च यूज होता है इसमें। तो ये देखो, तो यहाँ पे जो है तीता आप अपने हिसाब से रखवा सकते हैं। नहीं मतलब ज्यादा चाहिए तो भाई ज्यादा रखवा लो, कम चाहिए तो कम मिर्च, है ना। तो गाइस, जब तक अपना जो है इधर चिकन पकौड़ा बनने का प्रोसेस चल रहा है, तब तक जो है थोड़ा बहुत भैया से भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं जगह के बारे में और भैया के बारे में। तो भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम हो आपका? नील भगत। और कितने साल से भैया इस काम को कर रहे हैं आप? दो साल से। दो साल से कर रहे हैं। और इसका बनाने का प्रोसेस बस यही होता है, एकदम कम मसाला कम तेल? ओके। और टाइमिंग वगैरह क्या है, कितने बजे से जो है आपका ये दुकान खुल जाता है? मेरा 5 बजे से। सुबह 5 बजे से? सुबह 5 बजे। चिकन पकौड़ा मिलना कितने बजे चालू हो जाएगा? जब ऑर्डर है 5 बजे आया तो 5 बजे, मतलब सुबह 5 बजे में, सुबह 5 बजे बोले तो सुबह 5 बजे मिल जाएगा? मिल जाएगा। अरे वाह भैया। और कितने बजे रात तक देते हैं? 11 बजे तक। 11 बजे रात तक। और उस साइड पे जो है अपना हरा मिर्चा डालने के बाद भैया ने नमक डाला, और नमक डालने के बाद यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया जा रहा है। तो सरसों का तेल कितना डाल जा रहा है चिकन में? दो ढक्कन डाल दिए। अच्छा, बस दो ढक्कन, नहीं कोई मसाला पाउडर कुछ नहीं यूज करना? नहीं करना। हल्दी उल्दी कुछ नहीं ना? नहीं करना। ओके। तो यहाँ पे जो है गाइस अपना चिकन पकौड़ा बनने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस आपने पूरा देखा, बस अपना हरा मिर्च, आधी लहसुन का पेस्ट, गोटा लहसुन, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, और यहाँ पे जो है मैरिनेशन बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखो मैरिनेशन रेडी हो गया। और अब क्या करने वाले भैया? बस इसको पत्तल में डालेंगे। ओके। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, ये पत्ता जो है आपका सखुआ का पत्ता है। और ये वाला जो है पतपोड़ा भैया सिर्फ सखुआ का पत्ता में बनता है कि और भी कोई पत्ता में बन जाएगा? सखुआ का पत्ता हम बनता। ओके। तो ये जो गाइस अपना डिश है ना, सिर्फ सखुए के पत्ते में ही बनता है। तो यहाँ पे जो है मैरिनेशन वाला अपना चिकन वगैरह डाल दिया गया, और अब जो है इसके ऊपर एक पत्ता जाएगा और इसको छिला जाएगा।
तो गाइस यहाँ पे जो है अपना मैरिनेशन वाला चिकन पत्ते में डाल दिया गया, और यहाँ पे देख सकते हो भैया जो है काफी अच्छे तरीके से उसको बांस का सीख है और उससे जो है समझो एक तरह से इसको पैक कर दे रहे, ताकि अपना जो भी उसमें चिकन गया ना वो किसी भी साइड से लीक नहीं हो। तो गाइस उस साइड से जो है अपना चिकन पकौड़ा पत्ते में पैक होकर इस साइड पे आ चुका है, और यहाँ पे देखो बनाने का तरीका, एक टीन में डाल दिया जा रहा है और इसको कुछ इस तरह से जो यहाँ पे फोल्ड करके पैक कर दिया जा रहा है। तो बस ये हो गया पैक। तो गाइस अपना जो है चिकन पकौड़ा पैक होने के बाद इस साइड पे देख सकते हो चूल्हा बना हुआ है, एकदम ओपन एरिया में है, और यहीं पे जो है ये चिकन पकौड़ा को पकाया जाएगा। और देख सकते हो काफी तेज आंच है, नीचे लकड़ी का पूरा समझो एक भट्टी तरह का जल रहा है, और यहाँ पे जो है अपना चिकन पकौड़ा ला के रख दिया गया है। और इस साइड पे भैया देखो चिमटा लेके खड़े हैं। तो भैया मेरे को बताइए कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? आधा घंटा। आधा घंटा में रेडी हो जाएगा? हाँ, रेडी हो जाएगा। तो मतलब इसको जो है बीच में इसी तरह से उलट पलट करते रहते हैं? हाँ। ये तो हो गया गाइस अपना बनाने का प्रोसेस वगैरह तरीका, और अब जो है जान लेते हैं रेट वगैरह के बारे में। तो भैया क्या रेट वगैरह लेते हैं बनाने का चिकन पकौड़ा? हाफ के जी लेते हैं 170 रुपया। ठीक है। और एक किलो का? एक के जी का 310 रुपया। एक के जी का 310 रुपया, मतलब कि एक के जी लेने पे थोड़ा डिस्काउंट है? नहीं, डिस्काउंट होता है। ओके। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एक के जी लोगे तो आपके थोड़े पैसे बचने वाले हैं। और भैया यहाँ पे सर्विस आपका थोड़ा सा बस वाला भी है? हाँ, बस वाला सर्विस। क्या सिस्टम है वो बताइए, कैसे है वो सर्विस? बस में डाल देंगे, फोन पे मार देगा पैसा। अच्छा। बस में डाल के भेज देंगे। भेज देंगे, मतलब रांची में अगर है आदमी? हाँ। तो यहाँ से जो बस जा रहा है उसके थ्रू मिल जाएगा उसको, है ना? हाँ, मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो गाइस ये जो सर्विस है ना एकदम यूनिक सा सर्विस लगा है मेरे को। आप रांची बैठे हो आराम से भैया को फोन करो, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन पे पे पेमेंट कर दो, यहाँ से आपका चिकन पकौड़ा बन के रेडी होके बस वाले को दे दिया जाएगा, रांची पहुंच जाएगा, और आप बस वाले से कॉन्टेक्ट करके चिकन पकौड़ा अपना कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इस साइड पे जो है हमने भैया से सारी जानकारी ले ली, बनता कैसे है, रेट वगैरह क्या है। और एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इस साइड पे जो देख रहे हैं ना भैया लोग खड़े हैं, ये लोग आए हुए अपनी गाड़ी को लेके, और इसी गाड़ी से यहाँ पे जो है मतलब कि समझो बराबर आते हैं यहाँ पे चिकन पकौड़ा खाने के लिए। और भैया के चिकन पकौड़ा का स्वाद इतना बढ़िया होता है कि भैया लोग जो है कल भी आए थे, आज फिर से आ चुके हैं, और अभी जो है गाइस यहाँ पे जो अपना पकौड़ा बन रहा है ना उसको चेक किया जा रहा है। चेक करने का बड़ा यूनिक सा तरीका है, आप देख रहे होंगे जब इसको ऊपर उठाया जा रहा है ना तो इसमें से हल्का सा जो है देखिए पानी टाइप का निकलता है, और जब तक ये पानी समझो कि टेढ़ा करने पर निकल रहा है तब तक ये रेडी नहीं हुआ है। अब जब पानी निकलना बंद हो जाएगा तो समझो कि आपका चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि भैया के पास यहाँ पे पोल्ट्री चिकन तो मिलता है, साथ ही साथ अगर आप चाहोगे कि आपको देसी चिकन का पकौड़ा खाना है तो ये भी इनके पास अवेलेबल है। ये देख लो यहाँ पे देसी चिकन रेडी हो रहा है किन्हीं कस्टमर का, और उस साइड पे जो कि आपको बहुत ही कम जगहों पे मिलेगा, तो ये जो देख रहे हो ना आप ये है आपका कड़कनाथ, तो कड़कनाथ का पकौड़ा भी आपको मिल जाएगा अगर आप शौकीन है नॉनवेज के। तो भाई जिस साइड पे देखो अपना जो है चिकन पकौड़ा इधर पे आ चुका है चूल्हे से उतर के, और ये देखो जिस तरह से जो है टीन में इसको रैप किया गया था उसी तरह से जो है टीन को यहाँ पे खोल लिया जा रहा है। ये चेक करो भाई, ये देखो मतलब भाई अगर कोई नया आदमी देखेगा तो बोलेगा भैया इसके अंदर बचा कुछ है, मतलब ऊपर का जो पत्ता रहता है आपका पूरा एकदम जल जाता है। अभी यहाँ पे चेक करो किस हिसाब से जो है इसको साफ कर लिया जा रहा है। सो मेरे भाई ये चेक करो, ये देखो तो कुछ इस तरह का जो है भाई अपना चिकन पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। सो गाइस फाइनली जो है हमारा चिकन पकौड़ा बन के हमारे पास आ चुका है, और मैंने इससे पहले 2 बार चिकन पकौड़ा खाया था, बट इनका तरीका जो है बिल्कुल डिफरेंट है बनाने का। और सच्ची बताओ जब ये चिकन पकौड़ा मेरे हाथ में खुल के आया ना इतना बढ़िया सा खुशबू आ रहा था, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशबू ना इसमें से पत्ते का ही आ रहा था, जो सखुआ का पत्ता यूज हुआ ना उसका एक मतलब कि हरैना टाइप का हरा हरा टाइप का वैसा एक खुशबू सा आ रहा था। और एक बार जो है ना इसको खाने से पहले जो हमेशा करते हैं आपको नज़ारा देंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह का क्या रंगत है, कैसा बना हुआ है, बात कर रहे हैं मुंह पूरा पानी से भर गया मेरा। तो सबसे पहले फटाक से आपको इसका नज़ारा दे देते। तो गाइस ये चेक करो काफ़ी शानदार सा दिखने वाला हमारा चिकन पकौड़ा अपने को बन के मिल चुका है, बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब कि जो इसका कलर है ना बिल्कुल एकदम जो जेन्युइन होता है वो बिना किसी मसाले के, ना हल्दी ना मिर्चा पाउडर, तो कलर अपना जो चिकन का है वही रह गया।
बना हुआ बढ़िया से है। मिर्चा वगैरह देखो गल चुके हैं। लहसुन चेक करते हैं, लहसुन वगैरह जो डाला गया था इसमें वो पका है कि नहीं लहसुन। हाँ पूरा एकदम देख रहे हो मक्खन की तरह निकल जा रहा है। बढ़िया तरीके से लहसुन पक चुका है और ऊपर ये जो देख रहे हो ना जला लगा, ये आपका पत्ता हल्का सा इसमें लग जाता है। और क्या होता है कि ये जो फ्लेवर देगा ना आपको एकदम सोना सोना वाला। ये देखो एक बार जो है इसको उठाते हैं उगाड़ते हैं। ये देखो देख रहे हो, ये देखो हरा मिर्च का क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं तीखा कैसा होगा, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। ये देखो पूरा एकदम वाइट बटर दिख रहा है अपना चिकन बना हुआ, बहुत बढ़िया यार। एक बार देखते हैं ना पका हुआ किस हिसाब से। पक तो गया होगा भाई, इतना तेज़ आँच में पकाया गया था। ये देखो चिकन बहुत बढ़िया देख रहे हो। गजब। अब देखते हैं एक बार कि भाई इसमें कोई अपना इसका जूस वगैरह जो होता है ना, जूसी अपना चिकन है या नहीं। ये देखो मतलब पूरा एकदम भाई जूसी है चिकन, काफ़ी सुंदर शानदार सा और मुंह में पानी ला देने वाला, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखो तो गाइस हमने जो है इसका नज़ारा वगैरह तो आपको दे दिया, और अब जो बारी इसको टेस्ट करके देखने का, और अब जो है टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसा स्वाद लग रहा है। तो सबसे पहले जो अपना कलेजी को ट्राई कर रहे, सबसे पहले मेरे को वही दिख गया यहाँ पर, तो कलेजी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्या है इसमें, आधी लहसुन का पेस्ट जो कंपनी वाला यूज़ किया गया था। और कंपनी वाला जो आपका आधी लहसुन होता है ना उसमें पता नहीं क्या कोई केमिकल वगैरह क्या रहता है, तो उसका एक जो टेस्ट होता है हल्का खट्टा खट्टापन टाइप का, वो इसमें सबसे ज़्यादा पता चल रहा है। लहसुन जो गोटा डाला गया उसका इसमें कोई फ्लेवर नहीं पता चल रहा, ठीक है। उसको आप अलग से खाओगे तभी उसका टेस्ट समझ में आएगा। तीखा जितना मिर्चा वगैरह जिस हिसाब से दिया गया है यहाँ पे मिर्चा भरा हुआ है, बट उस हिसाब से जो तीखा नहीं, क्योंकि भाई मिर्चा जहाँ का तहाँ ही रह गया। मतलब ऐसा चिकन बन के मिला है ना कि छोटा बच्चा भी आराम से खा सकता है और उसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसमें इतना ज़्यादा मिर्चा डाला गया। तो अपने जो है भाई थोड़ा बड़े वाला काम करते हैं, चिकन लेते हैं उसके ऊपर एक मिर्चा, और मिर्चा के ऊपर हम चिपकाएँगे क्या एक लहसुन, और अब जो है इसको खा के देखते हैं। तीखा है मिर्चा, मिर्चा तीखा है रे भाई। हम बस चेक कर रहे थे कि मिर्चा जो डाला गया वो तीखापन उसमें है ही नहीं, सिर्फ हरा देखने में काफी ज्यादा तीखा है मिर्चा। तो अभी जो है अपने एक बड़ा वाला पीस उठाया है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो जला हुआ हल्का मार्क होता है वो भी इसके ऊपर है। इसको ट्राई करेंगे, लहसुन का एक कली उठाते हैं और ये पूरा का पूरा बड़ा सा बाइट। मतलब कि ऐसा टेस्ट है, दो तीन पत्ता तो भाई आसान से खा सकते हो आप अगर आप एकदम तगड़ा वाला नॉनवेज लवर हो तो। झकास मतलब क्या भाई, मतलब हमको लगता है बेकार ही हम लोग इतना तेल मसाला देते हैं और देने के बाद जो है खा के फिर पेट खराब भी करवा लेते हैं। आराम से ऐसा बना के खाओ मज़ा आ जाएगा, बहुत जानदार। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया भैया का, मतलब जितना तारीफ किया जाए ना कम है, बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने इस चीज़ को। सुपर्ब। ऑल ओवर फीडबैक क्या है, रेट के हिसाब से चीज़ बहुत बढ़िया है, कोई झमेला नहीं यहाँ पे। आपको 170 रुपये पे करना है आधा किलो, मतलब ये जो देख रहे हो ना पूरा बना के आपको मिल जाएगा, लाजवाब सा टेस्ट। और यहाँ पे क्या करते हैं इस प्लेट को हम करते हैं ख़त्म। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी तरह के खाने पीने से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। और अभी क्या हो रहा है पता है, जो मिर्चा हमने खाया ना उससे पूरा मेरा होठ जलना स्टार्ट हो गया। करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं कल कुछ कहीं और नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।